थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस काम के लायक समझा। एंड डोंट वरी, मैं अपनी प्रॉब्लम पूरी तरह समझ गया हूँ, पर मैं ये नहीं कर सकता सर। मैं ये नहीं कर सकता मतलब? तो और क्या, हमने आपको यहाँ पे मैनेजर बनने के लिए थोड़ी बुलाया है। मतलब है कि क्यों नहीं कर सकते भाई? सर बात यह कि मेरी माँ बहुत बीमार है सर, और वो जनरल वार्ड में, और उसकी देखभाल वहाँ ठीक तरह से नहीं हो रही है सर। अरे तू रो क्यों रहा है? मैं हूं ना, तेरी मम्मी हमारी मम्मी की तरह है बंटू जी। इसकी मम्मी को किसी अच्छे से डिलक्स रूम में शिफ्ट कर दो जी। और सर डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैं अपनी मम्मी को जल्दी अच्छा देखना चाहता हूँ तो उसे आसपास के किसी हिल स्टेशन ले जाऊं, जैसे स्विट्जरलैंड। लोना वाला खंडाला भेज देंगे बेटा, स्विट्जरलैंड आसपास का नहीं, बहुत दूर का हिल स्टेशन है। सर दूर तो वो हम जैसों के लिए सर, आप जैसों के लिए तो काफी पास है ना। नहीं नहीं नहीं, तेरी मम्मी हम लोग की मम्मी की तरह है बंटू जी। इन्हें भेज दो, जा किया किया। इस गर्मी ने बिना एसी के मेरी माँ का बहुत बुरा हाल किया है सर। अगर अगर एसी लगाने के लिए कुछ 50-60 लाख का सस्ता सा घर मिल जाता तो। 50-60 लाख का सस्ता सा नहीं होता, बहुत महंगा होता है। महंगा तो इन जैसे लोगों के लिए होता है, तो बिजनेस वालों के लिए तो कुछ नहीं। बैंटू जी जा। दिया सर, मेरी माँ को बहुत दर्द दिया उसके कमर दर्द ने। आयोडेक्स से लेकर मूव तक सब लगाया, लेकिन उसका दर्द मूव नहीं हुआ। और ऊपर से दिल्ली की सड़कें, कब तक सर, कब तक, कब तक ऑटो के धक्के खाएगी मेरी माँ। माँ कौन सी गाड़ी भेजू, मर्सिडीज या BMW? मारुति भी चलेगी सर। छोटी नहीं रहेगी तुम्हारे लिए? छोटी हम जैसों के लिए तो बहुत बड़ी है ना सर। हाँ छोटी तो। और सर ऊपर से मेंटेनेंस के लिए 50-60 हजार तो आप बिना मांगे ही दे दोगे? नहीं, हम तुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे, समझा? क्या बंटू, बंटू घंटू समझ रखा है क्या? इससे अच्छा तो मैं आ जाता फोटो के अंदर।